हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक ने अपना न्यू लुक रिलीज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेसबुक का ये न्यू लुक, न्यू रंग और क्लेवर में फेसबुक काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, जो यूज़र के सोशल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये फेसबुक का न्यू लुक और हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और क्लासिक वर्जन से न्यू डिज़ाइन में किस तरह से हम लोग स्विच करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये फेसबुक का नया डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन डेस्कटॉप वर्जन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी आया है। ये यूज़र्स को न्यू डिज़ाइन न सिर्फ प्राइवेसी देगा बल्कि एक नए एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलेगा। फेसबुक के न्यू लुक में जहां होम पेज पे न्यूज़ फीड को पूरी तरह से बदल दिया गया है, वहीं साथ साथ यूज़र प्राइवेसी पे भी फोकस रखा गया है। इसके अलावा फेसबुक के नए डिज़ाइन में ग्रुप को लेकर के भी काफ़ी अपडेट किया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन में यूज़र्स के ग्रुप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही इसमें फास्ट चैटिंग, एक साथ वीडियोस देखने के फीचर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पेश की गई है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा इंटरफेस चेंज हुआ हुआ है। फेसबुक के इस नए डिज़ाइन में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो कि लॉन्च टाइम से ही था, जो कि फेसबुक का सिग्नेचर ब्लू बैनर, उसको इस न्यू डिज़ाइन में हटा दिया गया है। साथ ही मैसेजिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और वीडियो ऑनलाइन डिमांड साइट को भी शोकेस किया गया है। तो काफ़ी मज़ा आएगा फेसबुक का ये न्यू डिज़ाइन यूज़ करने में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्लासिक वर्जन से अपने इस फेसबुक न्यू डिज़ाइन में स्विच करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये डाउन एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको स्विच टू न्यू फेसबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा। स्विच टू न्यू फेसबुक, ये देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप क्लासिक वर्जन से न्यू फेसबुक डिज़ाइन में स्विच कर जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये हमारा प्रोफाइल खुल गया है। मैं एक बार आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि किस किस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। आप यहाँ पे अगर फेसबुक पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे, तो फिर आप जैसे फेसबुक फीड जो टाइमलाइन है आपकी वो ओपन हो जाएगी, ये देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हुई तो आप यहाँ ये जो सर्च बॉक्स है इसमें कीजिएगा। आपका जो होम बटन है वो ये देखिए ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप होम में चले जाइएगा। उसके बाद आपने जितने पेजेस बनाए हुए हैं वो पेजेस का ऑप्शन ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अपने पेजेस का एक्सेस करने मिलेगा। आप अपने पेजेस पे जा सकते हैं, पेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आपको कुछ भी वॉच, मतलब कि कुछ भी देखना हुआ, वीडियोस देखना हुआ तो आप यहाँ ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको मार्केट प्लेस के लिए यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन है, और ग्रुप्स के लिए आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, आपको जो ग्रुप्स का इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने प्रोफाइल में चले जाएंगे। उसके बाद आपको पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट, कुछ भी आपको क्रिएट करना हुआ तो आप ये जो प्लस का आइकन है आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको मैसेंजर में जाना है, मैसेज करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको अकाउंट में जाना है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन है, ये डाउन एरो का। तो ये रहेगा आपका फेसबुक न्यू डिज़ाइन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें वापस इस न्यू डिज़ाइन से हमें क्लासिक वर्जन में जाना हुआ तो हम लोग किस तरह से जाएंगे। तो उसके लिए ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्विच टू क्लासिक फेसबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ आपका क्लासिक वर्जन ओपन हो जाएगा। तो ये देखा हमने फेसबुक का न्यू डिज़ाइन, न्यू लुक, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग इस पर स्विच करेंगे। तो फेसबुक से रिलेटेड इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ आई के आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।